दोस्तों, आपने टीवी इंडस्ट्री में कई शोज देखे होंगे जिनमें एक परफेक्ट लव स्टोरी के साथ साथ एक परफेक्ट कपल देखने को मिलते हैं, जो एक दूसरे के साथ काफी लॉयल होते हैं और हमेशा ही एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं टीवी पर एक परफेक्ट कपल के रूप में नजर आने वाली अभिनेत्रियों की लव स्टोरी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती। तभी तो जहाँ इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियाँ हैं जिन्होंने कभी किसी से बेइंतहा प्यार किया पर उस शख्स ने उन्हें धोखा दे दिया, तो वहीं टीवी इंडस्ट्री में ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने एक शख्स के साथ रिश्ते रखते हुए दूसरे शख्स से दिल लगा लिया और धोखा दिया। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिनमें किसी अभिनेत्री को प्यार में धोखा मिला तो कईयों ने किसी और को ही धोखा दे दिया। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों से। नंबर वन, जेनिफर विंगेट। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जेनिफर विंगेट का, जो टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं। पर इसके बावजूद इस खूबसूरत अदाकारा को भी प्यार में धोखा मिला और इन्हें धोखा देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एक्टर करण सिंह ग्रोवर है, जिन्होंने इनसे प्यार किया और जीवन भर साथ रहने का वादा किया, इनसे शादी कर ली, मगर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। बीच रास्ते में इन्हें छोड़ दिया और बिपाशा से शादी कर ली। ऐसा कर इन्हें दे गए वो प्यार में धोखा और दे गए जिंदगी भर के आंसू, जो प्यार का नाम सुनकर हमेशा निकल ही जाते हैं। नंबर टू, रुबीना द लाइक। छोटी बहू शक्ति अस्तित्व के एहसास की और बिग बॉस जैसे शो से हर किसी की फेवरेट बनने वाली रुबीना भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने कभी किसी से प्यार किया था पर उस शख्स ने इन्हें धोखा दिया। और बात करें उस शख्स की तो बता दें वो कोई और नहीं बल्कि इनके शो छोटी बहू के को स्टार अविनाश सचदेव हैं, जहां सीरियल में उनके साथ काम करने के बाद ये और वो लव रिलेशन में आ गए। करीब 6 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। इस बीच दोनों की शादी पक्की हो गई, लेकिन उसी वक्त इन्हें पता चला कि अविनाश का दूसरी अभिनेत्री के साथ अफेयर है और वो इन्हें धोखा दे रहे हैं, जिसके बाद प्यार में धोखा खाई अभिनेत्री रुबीना द लाइक ने तुरंत जाकर ही अविनाश से सारे रिश्ते तोड़ लिए। नंबर थ्री, श्रद्धार्या। प्रीता का किरदार निभाकर मशहूर हुई एक्ट्रेस श्रद्धार्या का नाम बेस लिस्ट में है, क्योंकि प्यार इनकी भी जिंदगी में दुख लाया। इन्होंने जयंत रति से प्यार किया, उनसे सगाई की, उन्होंने उन्हें जिंदगी का हिस्सा कभी माना ही नहीं। वो इनसे प्यार करती थी और इसलिए इनके साथ सगाई के बावजूद वो किसी और को डेट करते थे, जिसके चलते प्यार में धोखा मिलने के बाद श्रद्धा आर्या ने भी अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और आज आलम ये है कि आलम मक्कर के साथ ही अपनी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रही हैं। नंबर फोर, श्रुति झा। कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा की भूमिका निभाकर तारीफें बटोरने वाली श्रुति झा भी हमारे लिस्ट में है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी पर शो में सीधी साधी प्रज्ञा का किरदार निभाने वाली श्रुति असल जिंदगी में एक शख्स को प्यार में धोखा दे चुकी हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेता हर्ष चोपड़ा है, जिनके साथ श्रुति झा काफी लंबे समय तक रिलेशन में रही। उसी दौरान जब हर्षद ने इनकी मुलाकात अपने दोस्त कुणाल करण कपूर से करवाई, पर हर्ष चोपड़ा के रिश्ते में होने के बावजूद श्रुति झा पर कुणाल करण कपूर का जादू ऐसा चला कि ये उनकी दीवानी हो गई और इन्होंने हर्ष चोपड़ा को धोखा दे दिया। नंबर फाइव, दीपिका कक्कड़। दर्शकों की फेवरेट अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ भी इस लिस्ट में है, जो कि अपने सादगी भरे अंदाज से सबको दीवाना बना लेती हैं। पर आपको बता दें, सबका दिल जीतने वाली दीपिका असल जिंदगी में एक शख्स को धोखा दे चुकी हैं, जो कोई और नहीं बल्कि इनके पहले पति रौनक मेहता हैं। जी हाँ, साल 2013 में दीपिका ने पायलट रौनक मेहता से शादी की, पर शादी के बाद दीपिका का रिश्ता रौनक के साथ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, जिसके बाद दीपिका की जिंदगी में दस्तक दी अभिनेता शोएब इब्राहिम ने, जिनके प्यार में दीवानी होकर दीपिका ने रौनक मेहता को धोखा दिया और आज शोएब इब्राहिम के साथ दूसरी शादी करके घर बसा चुकी हैं। नंबर सिक्स, सुरभि चन्ना। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम है सुरभि चन्ना का, जो करीब 8 साल से बिजनेसमैन करण शर्मा के साथ रिलेशनशिप में है, पर खबरें हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक करण शर्मा सुरभि चन्ना के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को डेट करते थे, जिन्हें एक दिन अभिनेत्री सुरभि चन्ना ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसी दिन से आज दोनों अलग हो चुके हैं और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से किसके बारे में जानकर हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।